देखिए भाई, हमारे प्यारे किसान साथियों, इधर 37-97 आलू लगा हुआ है। कलर साइज का बढ़िया आलू है। देखो भाई, 37-97 की टाली अब ना के बराबर देखने को मिल रही है। बहुत इक्का दुक्का ही 37-97 की टालियां आ रही मंडी के अंदर। ये आलू आज बिका 1731 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से। देखिए भाई, हमारे प्यारे किसान साथियों, इधर दो टालियां लगी हुई है। न्यू हॉलैंड है, पहले मैं आपको दिखाता हूँ इधर का आलू। बढ़िया कलर साइज का आलू है न्यू हॉलैंड। इस आलू के अंदर कोई शिकायत नहीं है चेचक की या कार्बन वगैरह की। इधर किसान लोग हैं, लेंगे इनसे कुछ जानकारी। बाबा थोड़ा आगे जाना, उठ के। ये है इनके किसान। किस गांव से हो आप लोग? लगनावरी से हैं। ये ट्राली मैं अभी दिखा रहा था, ये इनके चाचा का आलू है। और तुम्हारा लगा है इधर, ये वाला लगा हुआ। ये भी देखो हॉलैंड है, साइज काफी अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी जो है इसके अंदर जो है ये साइज थोड़ा सा अधिक है। ये कुछ ये साइज है, लेकिन मोटाई वाला आलू देखिए भाई, ये मोटाई वाला आलू है। इसके अंदर भी चेचक की कोई शिकायत देखने को नहीं मिल रही आलू के अंदर। तो लगनावरी में अभी कितना डंप, अभी कितना होगा? अभी डंप खत्म ही है, अब डंप खत्म सीमा पे है, बिल्कुल आखिर सीमा पे है। फटाफट आलू भेज लिया लोग, किसानों ने ज्यादा दिन तक डंप लगाया भी नहीं। सर आलू के भाव सही मिल रहे हैं तो फटाफट भेज लो, वो ज्यादा अच्छा है। तो ये आलू क्या भाव का नीचे जो पड़ा हुआ आलू? ये 2031। अच्छा, और इनका जो टाली में अभी ये है इधर, ये किस भाव से बिका? ये वाला 2051 ये टाली में जो आएगा। टाली वहाँ पड़ी है वो 2031 टीन में। हाँ, एक टीन में लगी हुई है गीट, वो भी 31 बिका। अच्छा, और वो तुम्हारा आलू है टीन में? वो इनका तुम्हारा है। कल भी लाए थे आलू? कल भी लाए थे। कल क्या भाव बिका था? कल यही भाव, कल वाला है। कल वाला ही भाव मिला आज भी 2031 कल भी का, आज भी 2031 ही बिका है। ये तुम किस गाँव से? लगनावरी। अच्छा, ये तुम्हारा आया है 2051 बिका है। कल क्या वो बिका था? कल तुम्हारा 31 बिका था, आज 51 बिक गया। और तुम्हारा वही रेट रहा जो था कल का? क्या अलग अलग लिवालों ने लिया क्या, या एक ही लिवाल? अलग अलग ने लिया है। अगर एक ही लिवाल लेता तो फिर एक ही रेट लेता वो। हाँ, अलग अलग लिए तो अलग अलग के रेट से हिसाब से हो गया। ठीक है भाई, धन्यवाद। देखिए भाई, हमारे प्यारे किसान साथियों, इधर तौल लगी हुई है, ख्याति आलू है, और आलू के अंदर जो है जंग बैठ रहा है। भुगिया की भी शिकायत थोड़ी बहुत है। इधर किसान हैं, लेंगे इनसे कुछ जानकारी। बाबा किस गांव से हो? किस गांव से हो? किस गांव से? अरे भाई, देखिए भाई, हमारे प्यारे किसान साथियों, इधर पुखराज आलू तोल रहा है। जंग की शिकायत आस आलू के अंदर आ रही है, जंग की शिकायत। देखो भाई, अरे इधर आया ना, ये है इनके अच्छा किसान, ये हैंगे अंदर नीचे बैठे हुए हैं। इधर दद्दा भी है। हाँ, किनको है? इनको है, इनको है। आलू क्या भाव बिका? 1550 से। अच्छा,
कितना रह गया गांव में अभी? बिल्कुल खत्म। अच्छा देखो भाई, 1,550 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका है। देखिए भाई, हमारे प्यारे किसान साथियों, तौल लगी हुई है। ख्याति आलू है, साइज का अच्छा है, हल्की बुल्की चेचक है, लेकिन कलर जो है थोड़ा सा डिम है। पैकेट के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से पैकेट में लगा हुआ है आलू। ये इधर किसान हैं, लेंगे इनसे भी कुछ जानकारी। कहाँ से भैया आप लोग? आप लोग कहाँ से हो? कितना डंप है अभी बड़ौर में? बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल समाप्त। आज क्या भाव बिका तुम्हारा ये आलू आज? 16 से 61। थोड़ा कलर 19 लग रहा है इसका, कलर थोड़ा चला हुआ। कितना डंप, कितना समय हो गया डंप लगाए? ये 2-3 महीने। 2 महीने हो गए पूरे। और आसपास कैसे कैसे बिके आलू, कुछ जानकारी ली? 1700 रुपये बिके। 1700 बिके, 65 रुपये बिके। अच्छा, और तुम्हारा आज बिका 1661। देखिए भाई, हमारे मेरे किसान जाते हैं, इधर तौल लग के पैकेट में भी आलू जा चुका है। पुखराज आलू है, बढ़िया साइज, बढ़िया कलर। इस आलू का कलर जो है बिल्कुल ठीक ठाक है, बिल्कुल 19 नहीं हुआ है इस आलू का। इधर किसान हैं, लेकिन इनसे कुछ जानकारी। किस गांव से हो? करनपुर दत्त। करनपुर दत्त, कितना डंप है अभी? 10%। मोटर कितनी होंगी, मोटर के हिसाब से बताओ? चार मोटर हुई। चार मोटर पूरे गांव में? हाँ। अच्छा, बिल्कुल समाप्ति के ऊपर है। हाँ। क्या वो बिका ये पुखराज तुम्हारा? 1721। 1721। और आसपास की टालियाँ कैसे कैसे बिकी, कुछ जानकारी दी? 1671, 1721, हो सकता है 31 भी बिकी हो कहीं पे। अच्छा, 1651 बिकी। ये किन की आड़त पर बेचा आलू तुमने? हरदयाल जी की आड़त पर। और कितने दिन चल जाएगा? एक हफ्ता। खेचतान गए, कटाई शुरू हो गई गेहूँ की? जबरदस्त, बहुत जबरदस्त कटाई चल रही है। देखिए भाई, हमारे प्यारे किसान साथियों, इधर पुखराज चल रहा है। इधर मैं आपको दिखाता हूँ पुखराज। ये आ गई ट्राली, मैं आपको दिखाता हूँ ट्राली के अंदर। इसके अंदर देखो बैठ रही है चेचक। इधर किसान हैं, लेंगे इनसे भी कुछ जानकारी। देखो इधर निकल रही है काफी ज्यादा चेचक वाला आलू निकाला जा रहा है। किस गांव से हो भैया? हरपालपुर। इधर खड़ा घूम ना, ये गंगा पार क्षेत्र। हाँ। अच्छा, कितना रह गया डंब उधर? खत्म है, बिल्कुल खत्म ही है। आज क्या भाव बिका तुम्हारा? 1681। और आसपास की टालियाँ कैसे बिकी, क्या कुछ जानकारी ली? जावल 1721। इंदर वाली 1721। अच्छा, देखिए भाई, किसान बता रहे हैं 1721 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से। आप जल्दी आओ। ये देखो भाई, ख्याति आलू है, साफ सुथरा बढ़िया आलू। इधर ट्राली में लगा हुआ ना ये। अच्छा देखो,
किस गांव से हो? जीजाबाद। कितना आइटम अभी? चार छः ट्राली पूरे गांव में? नहीं हमारे पास नहीं, पूरे गांव का बताओ। ऐसा होगा चार छः मोटर। चार से छः मोटर किस भाव से बिका लूँ तुम्हारा? ये बिका है 721। 1721। और आसपास की ट्रालियाँ कैसे कैसे बिकी तुम्हारे ऊपर? बिका कोई आलू? आजे वाला बिका है जो भर्ती हो गया। 17 कौन सा भरा हुआ है? भरा हुआ जो है पैकेट में। अच्छा, उसके किसान चले गए हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, अभी देख रहे हैं। देखिए भाई, हमारे पहले किसान साथियों, इधर तौल लग चुकी है, ख्याति आलू है, चेचक काफ़ी बैठ रही है चेचक इस आलू के अंदर, और थोड़ी बहुत भुगिया की भी दिख रही है इसके अंदर। इधर किसान है, इधर लेंगे इनसे किसान से जानकारी कुछ। किस गांव से बाबा? इधर थोड़ा थोड़ा सा इधर देना। कितना आया गांव में अभी डंप? अभी है, अब हल्का है, ज्यादा नहीं होगी। 7-8-10 मोटर होगा। अच्छा, तो किस भाव से बिका तुम्हारा ये आलू आज है? किस भाव से आलू बिका तुम्हारा ये? 1611। और आसपास की ट्राली कैसे बिकी, कैसे किस भाव से, कुछ जानकारी ली? जानकारी नहीं, हिसाब से बिकी कुछ। कोई अच्छे आलू है वो 18 भी बिके। अच्छे आलू 18 भी बिके? क्या बात कर रहे हैं, 1800 रुपये? कौन सी डाली बिकी 1800? अच्छे आलू बिके। सुनाई दिया है तुम्हें किसी ने? सुना है। देखा नहीं होगा? देखा नहीं है। सुना है 1800 में बिके आलू भाई। फिलहाल इनका आलू अभी का 1611 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से। देखिए भाई, हमारे पहले किसान साथियों, इधर आलू तो फिलहाल बिक चुका है, लेकिन तौल लगना बाकी है। पुखराज आलू है, हल्की बुल्की रफ़ी है इसके अंदर, और चेचक की भी शिकायत है भाई। साइज कलर तो बेहतर है। इधर लेते हैं किसान से जानकारी कुछ, गाँव से है, किस भाव से बिका इनका आलू आज? किस गांव से भाई? मुझे हाँ। कितना है अभी डंप? एक ट्राली हो रही है हमारे पास। नहीं, पूरे गांव में? पूरा गांव का बताओ। एक ट्राली चला नहीं रही, बिल्कुल आखिर है। आखिर है। अच्छा अच्छा, तो आज क्या भाव बिकाई आलू तुम्हारा पुखराज? 1651। और आसपास की कैसी क्या किस भाव से बिकी? सामने वाली ट्राली। अच्छा, 97-97 इधर दिख नहीं रही ट्राली कोई। बहुत कम आ रहा मंडी के अंदर। तो 1651 रुपये प्रति क्विंटल का भाव से बिका भाई इनका आलू आज। किसान साथियों, आइए मिलते हैं कैप्टन डीएस यादव जी से, आलू आरती सहारनपुर मंडी। भैया नमस्कार। नमस्कार आशीष। ओ आशीष, तो कैप्टन जी आप ये बताइए, आज आमदनी कैसी है? आज हफ्ते का आखिरी दिन है, आज शनिवार है। आज आमदनी 25-30 मोटर लगभग होगी। 25-30 मोटर आमदनी अभी एकदम से क्यों बढ़ी, क्या कारण रहा है इधर? क्या अभी रेट में थोड़ा सुधार हुआ है इसलिए जी काश्तकार जो डंप किया था वो लेके आ रहा है। अच्छा अच्छा, यानी कि भाव सही मिल रहा है किसान को, तो वो सोच रहा अब आगे जरूरत भी किसान को पैसे की है कि शादी बारात की, और अभी लोगों की जी जरूरतें भी हैं, किसी की शादी है, किसी का कोई और फंक्शन है, कोई और काम है, तो इस वजह से जी जी हटा रहे हैं लोग। अच्छा, अभी एक दो दिन पहले जो है मौसम भी थोड़ा सा रात में ख़राब हुआ था, मतलब बल्ली बल्ली आ गई थी, हो सकता है उसके कारण से भी किसान लेके आ रहा हो सकता है। मौसम अगर ख़राब होता है तो पानी भी आलू में भीग सकता है। नहीं, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो इन्होंने 3 दिन का जी किया हुआ है जी जी, 3 दिन मौसम आने वाले समय में खराब रहेगा और भारी बारिश की संभावना है, तो किसान ये सोचता है भाई हमारी ढेरी लगी रहेगी, अगर पानी बरस गया तो काम का नुकसान हो जाए। हाँ, इसलिए अभी उसको निकाल रहा है जी।
आज कैसी लिवाली है? आज लिवाली बहुत बढ़िया है, तो आमद उतनी है, तो अच्छे आलू की तो लिवाली बहते भी है। जी जी बढ़िया रहती है, अभी तो उतना लिवाली नहीं आ रहा है। आलू फटाफट बिक रहा है? आलू फटाफट बिक रहा है। हाँ, आज ऊंचे भाव कैसे आएंगे? ऊंचे के भाव आज ऊंचे भाव वो 1731 तक एक नंबर गया हुआ है हमारे पास, तो ये था जी। बहुत बढ़िया आलू है, इसमें कोई रोग वोग नहीं है, एक आधा चटका है जी। 1721 रुपए गया, 1721 बिका। अच्छा, ये किसान आएंगे आपके? हमारे किसान है चौकिया के। कहाँ के? राजपूत। अच्छा अच्छा, तो इनका 1721 बिका, इनका 1721 बिका। और सेकंड क्वालिटी क्या, किस कैसे? सेकंड क्वालिटी 1650 1650 रुपए। अच्छा अच्छा, और लाल वाला तो जी 2000+ बिका, 2000+। हाँ, मैंने देखा था 2031 और 2051 इस तरीके से आलू बिके हैं। एक नंबर का 2000+। जी 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 जी, और 3797 क्या कुछ बता रहे? 3797 बगल में ट्राली थी, नॉर्मल आलू है ये जी। 1641 रुपए का, 1741 जी। अच्छा, और बीजा उतना बढ़िया नहीं, नहीं जी जी, एक जैसा नहीं जी, थोड़ा सा दागी दूगी है। 1741 बीघा। क्या आप सोमवार को क्या आमदनी आपको अनुमान लग रहा है, क्या कैसी आमदनी आ सकती है? तकरीबन यही रहेगी 25-30 मोटर की, अभी सब बटोरा आ रहा है, कोई खुदाई तो है नहीं। जी हाँ जी हाँ, तो जो जिनके डंप लगे हैं वो ही लेके आ रहे, जो डंप वाले वही किसान आ रहे हैं, क्योंकि अभी खुदाई बिल्कुल 1% भी शायद नहीं होगी, खुदाई तो पहले ही खत्म हो गई। जी हाँ, अभी जैसे डंप जिसका लगा है वो निकाल के लेके आ रहे हैं। और कोल्ड की क्या पोजीशन है? कोल्ड में कुछ सौदा वगैरह हो रही है? कोल्ड तो पूरे किसी की नहीं भरे, पूरे किसी के नहीं भरे, सभी में गुंजाइश है, गुंजाइश है थोड़ी बहुत। तो अभी भी 150 पैकेट जिसके होते हैं वो अभी भी कोल्ड वाले ले भी रहे हैं, बंद होने के बाद भी दलवाई देते हैं, मतलब सेटिंग करके, मतलब थोड़ा बहुत आलू जा रहा है अभी भी कोल्ड में। जा रहा क्या, कोल्ड वाले खुद ही कहते हैं भाई आ जाओ कम्प्लेन।